नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य नीति के एक और वीडियो में। दोस्तों, चाणक्य नीति को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने वाले आचार्य चाणक्य देखने में तो बेहद कुरूप थे, लेकिन उनकी नीतियों ने भारत के इतिहास को बदल कर रखने में मौलिक भूमिका अदा की। अर्थशास्त्र और राजनीति के महान ज्ञाता रहे आचार्य चाणक्य के सिद्धांतों को आधुनिक युग में भी स्वीकार किया गया है, लेकिन चाणक्य ने महिलाओं के विषय में कुछ ऐसा कहा जो भले ही उस समय स्वीकृत रहा हो, लेकिन आज के दौर में उनके कथन बहुत हद तक विवादित हो चुके हैं। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं चाणक्य ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से आज के दौर में उन्हें विवादों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का कहना था कि एक व्यक्ति को कभी नदी शाही परिवार, सिंह वाले जानवर, हथियारों से लैस इंसान और महिलाओं पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी धोखा दे देते हैं। दोस्तों, महिलाओं के बारे में चाणक्य का कहना था कि वह कभी स्थिर नहीं रह सकती, उनका मस्तिष्क बहुत ही जल्दी बदलता है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इंसान को जिसने कभी झूठ ना बोला हो, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार झूठ बोलने का जिम्मा केवल महिलाओं के ही पास होता है। महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य के अनुसार बेवकूफी करना, छल कपट का सहारा लेना, झूठ बोलना, चालाक होना, क्रूर रहना आदि कुछ महिलाओं के व्यक्तित्व के प्राकृतिक दोष हैं। दोस्तों, चाणक्य का कहना था कि शाही परिवार, नासमझ इंसान, सांप, आग और महिलाओं से हमेशा बचकर रहना चाहिए, ये कभी भी घातक साबित हो सकते हैं। जीवन में कुछ सीखना हो तो उसके लिए भी आचार्य चाणक्य ने रास्ते बताए हैं। चाणक्य के अनुसार अगर नम्रता सीखनी हो तो राजकुमारों से सीखनी चाहिए, वहीं संवाद की कला पंडितों से, झूठ बोलना जुआरियों से और धोखा देना महिलाओं से सीखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 2 गुना अधिक ज्यादा भूख, 4 गुना ज्यादा शर्म, 6 गुना ज्यादा साहस और कामवासना 8 गुना ज्यादा होती है। दोस्तों, आप ये तो सुनते आए हैं कि महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं। जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा यह सब अपने पति की खुशहाली और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है, लेकिन आचार्य चाणक्य का कहना था कि वे महिलाएं जो अपने पति की इच्छा के विरुद्ध जाकर व्रत रखती हैं, तो इससे उनके पति की उम्र कम हो जाती है। इतना ही नहीं, वह स्वयं अपने हाथ से अपने लिए नरक का द्वार खोल देती हैं और साथ ही वह अपने पति के लिए विपतन का रास्ता तैयार करती हैं। दोस्तों, महान पंडित आचार्य चाणक्य ने अपने कथनों द्वारा यह प्रमाणित किया था कि वह महिलाओं को एक वस्तु से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे। चाणक्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे समय के लिए धन और स्त्री को बचाकर रखना चाहिए और बुरे समय में सबसे पहले इनका त्याग करना चाहिए। दोस्तों, संभव है कि उस समय के हालातों के मद्देनजर आचार्य चाणक्य के कथन सही कहे जा सकते हो। वैसे भी हमारे समाज में शुरुआत से ही महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया है, इसलिए उन्होंने भी महिलाओं को मर्यादा में बांधने के लिए यह कथन कहे हो, लेकिन आज के दौर में यह किसी भी रूप में ना तो उनसे मेल खाते हैं और ना ही उन पर लागू होते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि महिलाएं भरोसा करने लायक नहीं होती। यह सुनकर शायद आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन उनके ऐसा कहने के पीछे भी ठोस तथ्य शामिल है। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार महिलाओं के स्वभाव में ही ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें भरोसे लायक नहीं बनाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वे कोई भी बात अपने तक अधिक समय तक सीमित नहीं रख पाती, अपनी बात दूसरों तक ले जाना उनकी आदत होती है। दोस्तों, इसलिए आप उनसे जो भी बात बांटेंगे बात दूसरे व्यक्ति तक ना जाए, इसकी गारंटी कम होती है, इसलिए चाणक्य महिलाओं को भरोसेमंद नहीं मानते। स्त्रियों के सामान्य लक्षण के अलावा चाणक्य ने उनकी कुछ ऐसी बातों को भी नीति शास्त्र में सामने रखा है जो उन्हें शादी के लायक नहीं बनाती। चाणक्य के अनुसार ऐसी कुछ स्त्रियां होती हैं जिनसे भूलकर भी पुरुषों को शादी नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। यदि कोई पुरुष केवल स्त्री की सुंदरता देखकर उसे परखता है और उसी के आधार पर उसे पसंद करके विवाह कर लेता है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस पूरे जग में कोई नहीं है।
दोस्तों विवाह के लिए स्त्री के संस्कार, उसका स्वभाव, उसके लक्षण, उसके गुण अवगुणों के बारे में जानना चाहिए। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ही स्त्री का विवाह के लिए चुनाव करना चाहिए, अन्यथा सुंदरता के आधार पर गलत चुनाव करने से वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। आचार्य चाणक्य ने अपने इस श्लोक में स्त्री के संस्कार पर खास महत्व दिया है। वे कहते हैं कि अच्छे संस्कारों वाली स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, वह पति और उसके पूरे परिवार का ख्याल रखती है, लेकिन बुरे संस्कारों वाली स्त्री सब कुछ तहस नहस कर देती है। चाणक्य के अनुसार यदि स्त्री सुंदर नहीं है लेकिन उसके संस्कार अच्छे हैं तो पुरुष को उससे विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि यही वह स्त्री है जो उसके भविष्य को सुखद बनाएगी। ऐसी स्त्री उसे एक श्रेष्ठ परिवार देगी, लेकिन इसकी जगह यदि ऐसी स्त्री को चुन लिया जाए जो संस्कारी नहीं और परिवार की अहमियत नहीं समझती तो न केवल शादी बल्कि सभी रिश्ते नाते टूट जाते हैं। ऐसी स्त्री अधार्मिक होती है, वह रिश्तों पर विश्वास नहीं करती, पल पल वह रिश्तों को तोड़ने का विचार करती है। ऐसी स्त्री परिवार के सुख के बारे में विचार नहीं करती बल्कि सभी को दुख पहुंचाती है। ऐसे चरित्र वाली स्त्री न केवल विवाह के रिश्तों को खराब करती है बल्कि पूरे कुल का नाश करती है, वह उस पूरे परिवार को समाज के सामने बेइज्जत करती है। इसलिए विवाह के लिए हमेशा संस्कारी स्त्री का ही चुनाव करना समझदारी है। सुंदरता मन की देखनी चाहिए, तन की नहीं। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के महिलाओं के प्रति कुछ अनमोल वचन जो हमने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के चाणक्य नीति से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।